What's up guys, welcome to the video. And this is a full day of eating video. मैं बहुत late उठा हूँ, I'm sorry for that. But अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस डालता रहता हूँ एंड दीज वीडियोस हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. सो सब्सक्राइब, लाइक भी कर दो वीडियो को अगर आपको पसंद आए, वैसे आएगी क्योंकि वीडियो ऑसम होने वाली है, आई नो दैट. एंड और क्या बोलना था, बाकी सही है, चलते हैं आगे खाना खाते हैं. सो गाइज, इट्स टाइम फॉर मील नंबर वन. एंड सुबह सुबह मुझे कुछ क्विक चाहिए होता है, क्योंकि सुबह सुबह मैं आलसी होता हूँ. क्विक चाहिए होता है पर हेल्दी भी चाहिए होता है. तो इट्स टाइम फॉर अ स्मूदी. स्मूदी थोड़ी, मतलब ये मेरा ग्राइंडर है, इसमें स्मूदी बनाऊंगा. सो सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो फटाफट ऐड करते हैं. सबसे पहले ये मेरे पास वेइंग मशीन है मेरी, कोई भी आप यूज कर सकते हो. आई विल ऐड रफली अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स. उसके बाद यहाँ पे आई हैव बॉइल्ड स्पिनच. मैं पहले से ही 2-3 दिन के लिए बॉइल करके रख देता हूँ और जितना चाहिए उतना ले लेता हूँ. एंड इसके बाद आई ऐड 1 banana. And I have 1 scoop of my Isogear whey protein. आपके पास जो भी प्रोटीन है आप यूज कर सकते हो. I have this. अबे निकल जा, निकल. Second last ingredient is this peanut butter right here. This is Pintola peanut butter, all natural. And I've been using this since like the past 3-4 days. And the good thing about this is that this is like completely natural, no added salt, no added sugar, and no hydrogenated oil. So it's a good option, plus it tastes good as well. So hum dalenge roughly around let's say 20 grams of peanut butter. Oh wow bhai, kya texture hai iska. This is 10-12 grams, and approximately 20 grams. अब इसको टेस्ट गुड. एंड टू टॉप इट ऑफ आई विल ऐड अराउंड 300 या 400 ml ऑफ मिल्क. एंड गाइस, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरी जो ये ग्राइंडर मशीन है कौन सी कंपनी की. दिस इज फ्रॉम द कंपनी ग्लेन. गाइस आई एम नॉट गोना लाई, मैंने लगता है दूध थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, पूरा ऊपर तक भर गया है. अगर मेरी पुरानी वाली मशीन होती ना, अभी तक छींटे वीटे बाहर आ जाते, बट थैंकफुली नहीं मैंने खरीदी है. अब टाइम फॉर सम टेस्ट रिव्यू, टाइम फॉर सम फेक टेस्ट रिव्यू, क्योंकि आपको पता है मैं बोलूंगा पीके वाओ मैन सो डिलीशियस, बट स्टिल हैव टू डू इट. फुल डे वेटिंग वीडियो है. सीरियसली मजा. एंड द बेस्ट थिंग इज कि इसको बनाना कितना आसान है, प्लस इतना सारा न्यूट्रिशन भी है इसके अंदर. तो गाइस शेक पे मुझे 1-2 घंटे हो चुके हैं और अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है. प्लस दिस इज माय प्री वर्कआउट मील एज वेल, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मील है. सो पहले मेरे पास है यहाँ पे रफली अराउंड 120 टू 150 ग्राम्स ऑफ मैक्रोनी, और 120-150 ग्राम्स में अनकुक्ड वे करी थी मैंने. तो मैंने बहुत ज्यादा बनाई थी, तो उसमें से निकाला, इसलिए मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ 120-150 ग्राम्स. एंड ये मैंने घर पर बनाई है, इसमें लाइक प्याज टमाटर वगैरह मसाला वसाला नॉर्मल घर पे. एंड इसके साथ है मेरे पास योगर्ट, 2 एपिगामिया के योगर्ट हैं और 1 मदर डेयरी का योगर्ट है. एंड द रीज़न दैट आई बॉट लाइक दीज एपिगामिया वंस बिकॉज इसमें प्रोटीन भी होता है. लाइक इसका एक लाइक ये बॉक्स में अराउंड 6 ग्राम प्रोटीन है, बट फॉर 6 ग्राम दे चार्ज लाइक 40 रुपीज़. सो 40 रुपीज़ के हिसाब से लाइक 6 ग्राम प्रोटीन थोड़ा सा कम है, बट स्टिल टेस्ट गुड. सो दैट्स वाई आई गॉट दीज. 2 हैं इसमें, तो रफली अराउंड लाइक 12 ग्राम प्रोटीन इसमें होगा. एंड मदर डेयरी वन इज लाइक मोर टेस्टी, बट इसमें लाइक प्रोटीन कंटेंट उतना नहीं होता, इसमें प्रोटीन कम होता है, बट ये बहुत टेस्टी होते हैं. सो ऑल इन ऑल मेनली दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट मील, बिकॉज प्री वर्कआउट मील में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज ये मुझे शक्ति देंगे. एंड उसके बाद आई एम गोना हिट द जिम. एंड टुडे इज लाइक आज क्या है, टुडे इज चेस्ट एंड बैक, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने 3 दिन का रेस्ट लिया था जिम से, अपर बॉडी को पूरा रेस्ट दिया था, बिकॉज आई थॉट मेरी अपर बॉडी बहुत सोर हो रखी है. तो आज विद फुल रेस्ट एंड विद फुल न्यूट्रिशन आई एम गोइंग टू हिट द वेट्स. चेक करते हैं बंद होगी. सो गाइस आई एम आउटसाइड माय जिम, एंड यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग पार्टनर है मेरे साथ, एंड फीलिंग गुड. आज अच्छे से खाया पिया है तो अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है. और वर्कआउट से पहले आई ईट 1 फ्रूट
एंड हमें पूरे दिन में अपनी डाइट में फ्रूट्स वैसे भी रखने चाहिए, तो मैं वर्कआउट से पहले रखता हूँ जस्ट फॉर सम लाइक क्विक 15-20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. आई प्रेफर कीनू, और अभी कीनू इजिली अवेलेबल भी है, तो इसलिए अदरवाइज यू कैन गो फॉर बनाना और एप्पल. सो अभी मैं वर्कआउट करूँगा, मतलब 15-20 मिनट वार्म अप होगा, तो मतलब मोटा मोटा एक्सरसाइज करते करते आधा घंटा लग ही जाएगा स्टार्ट करने में. सो आधे घंटे पहले सम फॉर्म ऑफ फ्रूट इज व्हाट आई गो फॉर. चल चल सो गाइज एम बैक होम एंड वर्कआउट बहुत ज़्यादा मस्त हुआ एंड सारा क्रेडिट जाता है मैंने जो वर्कआउट से पहले जो दो मील्स लिए थे. अब मैं घर आ गया हूँ, मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल वाली भूख लग रही है. सो मेरा किचन में मील प्रिपेयर हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. सो गाइज हियर इज माई पोस्ट वर्कआउट मील एंड दिस इज नॉट समथिंग आई ईट एवरी डे, लेकिन ये बहुत टेस्टी लग रहा है एंड इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि हेयर आई हैव टू ब्राउन ब्रेड जिससे मुझे कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, अ स्लाइस ऑफ चीज फॉर गुड फैट्स एंड दो लेयर है यहाँ पे ये वेंकीज की चिकन पैटी है एंड और थोड़ा सा केचप भी डाला है. बहुत फाड़ लग रहा है देखने से ही, गरम बट टेस्ट नेक्स्ट लेवल है. आई जस्ट वॉन्टेड टू चेंज थिंग्स अप, दिस इज नॉट समथिंग आई ईट एवरी डे बट फाड़ टेस्ट. आई नो मेरा हेयर स्टाइल देख के, सेक्सी हेयर स्टाइल देख के आपको पता लगी होगा कि मैं नहा के आया हूँ. और टेक्निकली मेरे को भाई जिम के बाद आके नहा लेना चाहिए, और आप लोगों को भी जिम से आके नहा लेना चाहिए, बट मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है ना कि मुझसे रहा नहीं जाता. आई नीड टू हैव माई पोस्ट वर्कआउट मील जो मैं आपको दिखा चुका हूँ. उसके बाद मैं नहाया एंड जो अब मेरा लास्ट मील होगा, क्योंकि मुझे आइडिया लगी है अब रात भी होगी लास्ट मील होगा. एंड लास्ट मील से पहले हमेशा अब अगर अपनी कैलरीज काउंट कर रहे हो, मैं माई फिटनेस पैल जो ऐप है उसके थ्रू काउंट करता हूँ, तो लास्ट मील से पहले मैं एक बार चेक करता हूँ कि मैं अपने गोल के कितने पास पहुँच गया. तो मैंने अभी चेक किया, मेरा लाइक 115 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 300 ग्राम्स हो गए हैं, और फैट अराउंड 58 ग्राम्स हो चुके हैं. ठीक है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट मील है उसको मैं इस हिसाब से डिजाइन करूँगा कि मेरे मैक्रोस का जो गोल है वो पूरा हो जाए. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं हर बार करता हूँ जब मैं अपनी कैलरीज ट्रैक कर रहा होता हूँ. सो अब नेक्स्ट मील बनाएंगे, उससे पहले आप लोगों को पता है कि मैं भाई फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ. मैंने आप लोगों को काफ़ी बार अपने चैनल पे फुटबॉल वाली क्लिप्स दिखाई हुई है, तो मेरे पास ये बॉल है अभी यहाँ पे, इसमें हवा नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पे देखेंगे मैं कितनी बार बॉल पैर पे लाइक ट्रिपल कर पाता हूँ. मेरा हवा नहीं है यार, इसमें सीन पड़ जाएगा. हम जो स्टार्ट ऐसे ही करते हैं यहाँ से, ये देखो 1 2 सॉरी 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 एक एक चांस और मिलती है, सॉरी काट दूंगा, इसी काट दूंगा बेहतर आना यार, बेइज्जती हो रही है. 1 2 3 4 5 6 7 नॉट बैड यार, फटी हुई बॉल थी. सो अब फाइनल मील बनाते हैं, नहीं पहले बाल बनाते हैं फिर फाइनल मील बनाएंगे. ऐसे 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 बात नहीं बनेगी यार मोहित, बंदा सेक्सी है तू. सो गाइज हेयर इज़ माई लास्ट मील ऑफ द डे एंड यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा चिकन लाइक रफली अराउंड 120 ग्राम्स एंड साथ में मेरे पास यहाँ अगर आप देखोगे तो ये दो रोटी हैं, और रोटी के साथ मतलब अंडा चिपका के मैंने बना दिया. मतलब रोटी पहले कुक हुई भी थी, तो अंडा बना रहा था पैन पे और रोटी को मतलब पलट दिया, उसके साथ मिक्स कर दिया, तो अंडा रोटी टाइप्स बन गया है. सो दिस इज़ माई लास्ट मील एंड इसके साथ एक मैं छोटी सी एडिशन करूँगा यहाँ पे. ठीक है,
हेयर आई हैव पिंटोला का हनी पीनट बटर जो मैंने सुबह लिया था, दैट वाज अनस्वीटेंड पीनट बटर. इसमें हनी एडेड है, ये भी नेचुरल है लेकिन इसमें हनी एडेड है. सो देखो बंद है, मैं पहली बार ले रहा हूँ, खुल जाओ. ये दो रोटियां हैं, इसके बीच में आई विल पुट हनी पीनट बटर क्योंकि थोड़ा सा स्वीट टेस्ट है इसमें. सो मज़ा आएगा. रफली अराउंड 20-25 ग्राम्स पीनट बटर. टेक्सचर देखो कितना मस्त है इसका. अब इसको बंद कर देंगे ऐसे. टेस्ट ऑसम. आई जस्ट गॉट टू नो दैट पिंटोला इज द फर्स्ट कंपनी, इज द फर्स्ट ब्रांड जिसने ये नेचुरल पीनट बटर की चीज जो है स्टार्ट करी इंडिया में, क्योंकि अभी और भी ब्रांड्स आ रहे हैं. सो पिंटोला इज द फर्स्ट ब्रांड. प्लस ये मैन्युफैक्चरिंग के 20 दिन के अंदर अंदर अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं क्योंकि इनकी अपनी ही फैसिलिटी है मैन्युफैक्चर करने के लिए. सो इट्स अ गुड थिंग. मेरे पास लाइक वो हो गया, वैरायटी होगी. एक मेरे पास अनस्वीटेंड है नेचुरल, एंड एयर आई हैव हनी वाला नेचुरल. सो आई एम हैप्पी गाइस, आई एम नॉट लाइंग, बट ये कॉम्बिनेशन सच में अच्छा है. मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रहा. प्लस हेल्दी टू. चिकन भी खा के देखते हैं. मजा आ गया भाई, दिस इज द बेस्ट मील एवर. सो गाइस विद दिस आई एम गोना एंड द फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो. मैंने खुद भी ट्राई किया कि मैं इस फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो में कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स दिखाऊं जो मैंने पहले नहीं दिखाए, जस्ट सो दैट आपको एक वैरायटी मिले या फिर आपको ये समझने को मिले कि डाइट डजंट हैव टू बी लाइक प्लेन एंड सिंपल एवरी डे. यू कैन मेक सम चेंजेस हेयर एंड देयर जैसे मैंने आज करे. एंड जैसे कि आज मैं सुबह उठा था तो मुझे नहीं पता था मैं आगे वाले मील्स में क्या लेने वाला हूँ. सो दैट वॉज लाइक दैट इज समथिंग कि मैं खुद विद टाइम प्लान करता हूँ या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे पता लग जाता है चलिए यहाँ पे ये खा लेते हैं. ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू कीप गुड हेल्दी स्टफ एट योर होम. जैसे हमने देखा अंडे, चिकन, ओट्स, केले, फ्रूट्स, पीनट बटर, ये सब चीज़ें मैं अपने घर में रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी मेरे को नीड पड़ जाएगी क्योंकि आई डोंट प्लान माई मील. सो इट्स अ गुड थिंग कि आप अपने घर में हेल्दी चीज़ें रखो, स्टॉक में रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. थोड़ा एक्स्ट्रा ले आओ, दो महीने के लिए ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ज़्यादा लोगों से सस्ता ही पड़ जाता है, कभी कभी डील मिल जाती है. एंड अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोज़ डालता रहता हूँ. एंड इन माई ओपिनियन फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोज़ बहुत वास्ट मेजोरिटी ऑफ लोगों को हेल्प करती है क्योंकि एक इनसाइट मिल जाती है क्या खाना कैसे नहीं खाना. एंड आई एम 88 kilos नाउ, आई एम गोना स्टार्ट माई कट नेक्स्ट वीक. सो सब्सक्राइब कर दो, फायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड बाय, टेक केयर गाइज. वेट बिफोर यू गो, वन लास्ट ट्राई. एक सेकेंड चप्पल उतार देता हूँ. एंड एक्सपेक्टेड है मैं कम से कम, देखो लास्ट में कितने करे थे, 7 करे थे ना, 8 करूँगा. ठीक है, एक ट्राई मिलेगी सिर्फ. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यार मैं नहीं खेल रहा, चाहूंगा. सो गाइज, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा अबाउट द पुलवामा अटैक जिसमें इंडिया के 40 CRPF जवान शहीद हुए हैं एंड कुछ इंजर भी हुए हैं. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सैड न्यूज़ फॉर मी एंड फॉर द एंटायर नेशन. पूरे इंडिया के लिए ही बहुत सैड न्यूज़ है एंड बहुत गुस्सा भी आ रहा है. बार बार न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं और अभी मैंने फ़ोन पे वीडियो भी देखी हो, ब्लास्ट की CCTV फुटेज कैप्चर हुई है. तो मतलब बहुत दर्दनाक है वो और गुस्सा बहुत आ रहा है बार बार देख के. एंड माई कंडोलेंसेज टू ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर एंड लव वंस जो उन जवान से रिलेटेड थे. एंड टू बी ऑनेस्ट, हम यहाँ पे अपने कंफर्ट में बैठ के उस पेन की डिग्री को नहीं समझ सकते जिस पेन से उनकी फैमिली मेम्बर गो थ्रू कर रहे होंगे अभी. एंड माई ओपिनियन ऑन दिस इज दैट कि मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत लोग ऐसे स्टोरीज वगैरह डाल रहे हैं कि काट देंगे, फाड़ देंगे, वो आई नो गुस्सा है. देखो मेरे अंदर भी, सबके अंदर है, हर एक इंडियन के अंदर होगा. बट टू बी ऑनेस्ट, देखो अगर एक प्रैक्टिकल सोच से देखा जाए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, हम वहाँ जाके लड़ाई तो नहीं करने वाले, हमारे हाथ में तो गन नहीं है. ठीक है, बट हम एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हम हैंडल कर रहे हैं उस पे एक नॉइस क्रिएट करें. जितनी हम नॉइस क्रिएट करेंगे, जितना हम पोस्ट करेंगे इसके बारे में, उतना ज़्यादा ही ये न्यूज़ फैलेगी. इंडिया में तो सबको पता है, ये उतना ग्लोबली भी फैलेगी. ठीक है, ऑब्वियसली काफ़ी
अक्रॉस द ग्लोब पता लग ही गया होगा, बहुत बड़ी न्यूज है एंड उतनी नॉइस क्रिएट होगी एंड उतना प्रेशर आएगा कंसर्न पार्टीज के ऊपर, कंसर्न पार्टीज जो कि इस चीज में डिसीजन ले सकती है उनके ऊपर उतना प्रेशर आएगा टू टेक द राइट डिसीजन. एंड मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोगों को और शेयर करना चाहिए, पिक्चर के थ्रू करो, वीडियोज़ के थ्रू करो, वीडियोज़ आर मोर इम्पैक्टफुल. आप अपने लाइक फ्रेंड्स लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उसमें डिस्कशन बैठेगी एंड स्टफ लाइक दैट. एंड पहली चीज़ ये है कि मेक सम नॉइज. एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सबको छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट डोनेट करना चाहिए टू द CRPF वेलफेयर करके. पेटीएम में मैंने देखा था आ रहा था, और भी मीडियम्स होंगे जहाँ पे आ रहा होगा. छोटा अमाउंट करो, बड़ा अमाउंट करो, कुछ नहीं पड़ता, बट कुछ डोनेशन करो. एंड एज अ कॉमन मैन जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इस चीज़ से, हम ये चीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एंड से. एंड दैट्स इट. इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़, बट आई होप एक अच्छा करारा जवाब इंडिया की साइड से मिले.